गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूकमर सलाद बनाएंगे। ये सलाद झटपट बन जाता है और गर्मियों में बहुत ताजगी देता है। चलिए गिरिराज रसोई में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्यूकमर सलाद बनाते हैं। मैंने ली है इसमें एक ये चाइनीज कैबेज, और क्योंकि खीरे का बना रहे हैं और मेरे पास छोटे खीरे हैं तो मैंने ये चार लिए हैं। आप कितने भी ले सकते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और एक ये रेड बेल पेपर लिया है, इन चीज़ों से बनाएंगे। इसके अलावा जो ड्रेसिंग बनाएंगे उसके लिए हमें लगेगा 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, और ये दही है। इसका पानी निकाल दीजिए, एक कपड़ा लेके उसमें बांध दीजिए 1 घंटे तक, तो सारा पानी निकल जाएगा। 2 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल, और इसके अलावा मैंने ये इटालियन सीजनिंग ली है जो 1 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी हर्ब्स डाल सकते हैं। और इसके अलावा मस्टर्ड सॉस 1 टेबल स्पून, इसी से बहुत टेस्ट आता है, ये ज़रूरी है डालना। और अगर ये नहीं मिलती है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत इजी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये मस्टर्ड सॉस, जिसे कि कासुंदी कहते हैं, इसकी रेसिपी भी दूंगी। और 2 टेबल स्पून के करीब एप्पल सिडर विनेगर डालेंगे हम। तो चलिए इतना सामान इकट्ठा करके हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये खीरे को कट कर लेंगे, ये ऊपर और नीचे का पोर्शन निकालेंगे, और इसे छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, चाकू से कट करें, अभी स्लाइडर से भी निकाल सकते हैं फटाफट। इससे काम जल्दी हो जाता है। 1 बर्तन में बॉल में डाल देंगे, और इसमें ये 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम इसके पत्ते ले लेंगे, जितना आप बनाना चाहते हैं उतने निकाल लीजिए, वॉश कर लीजिए अच्छे से, और उसे पोंछ लीजिए ताकि पानी ना रह जाए। चलिए अब हम इसे भी कट कर लेंगे। एक साइड पर रख दिया, अब हम बेल पेपर कट करेंगे। ये रेड वाली थोड़ी मीठी होती है तो ये सलाद में बहुत अच्छी लगती है। इसे निकाल देंगे, इसको हम थोड़ी सी सौते करेंगे। आप कच्ची भी डाल सकते हैं, अगर आप कच्ची डाल रहे हैं तो इसे बहुत छोटे पीस में कट करिएगा, क्योंकि मैं इसे सौते करके डालूंगी, बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैं थोड़े बड़े पीस कर रही हूँ। आइए अब इसे गैस पे ले लेते हैं। गैस चालू करेंगे और इस पे मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, 2 टेबल स्पून जो ऑलिव ऑयल लिया है। गर्म होने देंगे, गैस को तेज ही रखेंगे। लगभग 4 मिनट के करीब मैंने इसे सौते किया है,
बस इसे बंद कर देंगे, इसका क्रंचीनेस बनाए रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये शुगर, जो 1 टीस्पून शुगर लिया वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। और इसको इधर निकाल लेंगे साइड में, इसका दबा दबा के पानी निकाल देंगे। ये देखिए, और ये डिस्कार्ड कर देंगे वाटर, ये हमें नहीं चाहिए। आइए अब हम ड्रेसिंग बना लेंगे। ये ड्रेसिंग हम इसी में बना लेंगे। ये मैंने लिया है योगर्ट, जिसका पानी निकाल दिया है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मस्टर्ड सॉस होती है उसमें काफ़ी नमक होता है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये लगभग या तो 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। आप देखिए आपका कितना सलाद है, अपने हिसाब से आप इसको लीजिएगा। और ये इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ मैं, लगभग 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छी लगती है। फिर आपके पास जो भी मिक्स हर्ब्स हो, जो भी हैं वो डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के करीब ये एप्पल साइडर विनेगर लेंगे। और ये नहीं है तो आप नींबू भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये आपकी ड्रेसिंग तैयार है। फ्रेंड्स, ये बना के इसको भी यहाँ मैं रख रही हूँ, और एक क्लिम फ्लिम से बंद करके रख दीजिए। जब आप खाएंगे तभी आप इसमें ये ड्रेसिंग मिक्स कीजिए। चलिए अब हम ये मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ले लेंगे और सब चीज़ों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा इंटरेस्टिंग सलाद बनके तैयार है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी आपको कई सलाद की रेसिपी दी है जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और ये तो एकदम यूनिक है। अगर आप ये बना के लोगों को खिलाएंगे तो लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइए, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और तरह तरह के सैलड्स बनाइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।